कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली वालों को एक राहत की खबर मिली है। कोरोना पाबंदियों से दिल्ली को कुछ हद तक राहत मिल गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का फैसला लिया गया है। कोरोना पाबंदियों को लेकर डीडीएमए की बैठक हुई थी, जिसमें कोरोना पाबंदियां कम करने को लेकर ये फैसला हुआ है। डीडीएमए की बैठक में दिल्ली के बाजारों में दुकानों का ऑर्डर नियम भी खत्म करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू हटाए जाने का फैसला भी लिया गया है। हालांकि राजधानी में नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। वहीं 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी। वहीं दिल्ली के सरकारी ऑफिस भी 50% क्षमता के साथ फिर से खुलेंगे। इसके अलावा डीडीएमए की इस मीटिंग में दिल्ली में स्कूल खोलने पर अभी सहमति नहीं बनी है। इसको लेकर डीडीएमए की अगली बैठक में चर्चा होगी। हाल ही में 16,000 से ज्यादा अभिभावकों ने हस्ताक्षर अभियान के तहत एक पत्र में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भेजा था कि स्कूल खोले जाएं, और सिसोदिया ने भी सहमति जताई थी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा था कि वो चाहते हैं कि जल्द ही इन पाबंदियों से राहत मिले। इसके अलावा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों को जल्द खोलने की बात कही थी, जिसके लिए बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर भी दिल्ली सरकार तेजी से काम कर रही है। और सरकारी स्कूलों में करीब 3 हफ्ते में 15 से 18 साल के 85% छात्रों को वैक्सीन लग गई है। शिक्षा निदेशालय का 30 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन करवाने का लक्ष्य है। हालांकि निजी और एडेड स्कूलों में वैक्सीनेशन की गति धीमी है। आपको बता दें कि बीते हफ्ते ही दिल्ली सरकार ने राजधानी में पाबंदियों को कम करने के लिए प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। व्यापारी वर्ग इससे काफी नाराज चल रहा था और दिल्ली के कई बाजारों में व्यापारी पाबंदियों को कम करने के लिए प्रदर्शन भी कर रहे थे। जिसके बाद अब इस हफ्ते कोरोना से सुधरे हालातों के बीच डीडीएमए ने ये अहम फैसले लिए हैं, जिससे व्यापारियों को भी राहत मिली है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।